यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अब तक 3 सेशन हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जनरल नॉलेज के बारे में, एमपी का जो जीके है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सेशन को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर किस जींस से संबंधित है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने प्रिस्टीज है, क्या वो एंटीगोनिया है। तीसरा ऑप्शन है आपका टिनका, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास टोर। तो हमने एक बार जब एमपी जीके को डिस्कस भी किया था तो हमने देखा था जो महाशीर मछली है वो टॉर्टोर प्रजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हम पढ़ते हैं टॉर्टोर फिश करके, वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिर्फ टॉर दिया हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। और पर्टिकुलर एमपी में हम लोग बात करेंगे तो एमपी की नर्मदा नदी में आपको ये मछलियां देखने को मिलेगी। टोटल फिश का यहाँ पर 28% समथिंग, 25 to 28% मछलियां जो है हमारी टॉर्टोर फिश होती है। ठीक है, ये महाशीर मछली होती है और ये मध्य प्रदेश की राज्य मछली भी है। तो 2 से 3 पॉइंट को आपको यहाँ पर इंटर रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले महाशीर, टॉर्टोर फिश, ठीक है, नर्मदा नदी में बात करेंगे तो पूरी फिश का 25 से 28% लगभग इसी फिश में आता है, इसी कैटेगरी में होता है, राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताइए। तो किस साड़ी, किसके नाम से वो प्रसिद्ध है, महेश्वरी साड़ी, टसर साड़ी, बाटिक साड़ी, या फिर नंदना साड़ी। तो महेश्वरी साड़ी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो रानी अहिल्याबाई होलकर, होलकर समाज के बारे में आपने सुना भी होगा, पूरा एक घराना है ये। ठीक है, तो रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम महेश्वरी साड़ी है। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है, हाथी के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका शेर के लिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है बाघ के लिए, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जो एक सिंह वाला गेंडा है, राइनो है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमें पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर जो है गेंडे के संरक्षण के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, रोहित शर्मा जो आपके क्रिकेटर है उनके द्वारा, रोहित फॉर राइनो करके एक स्कीम भी चली थी, गेंडा संरक्षण परियोजना ही थी। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि कौन से क्रिकेटर सम्मिलित है गेंडा परियोजना से, तो रोहित शर्मा जो है क्रिकेटर वो सम्मिलित है, रोहित फॉर राइनो करके एक स्कीम चली थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन ना सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर रहता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक आप पहले यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, पंडित शिव कुमार शर्मा शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र में किसके उस्ताद है, वो सितार के हैं, सरोद के हैं, संतूर के हैं, या फिर वीणा के हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतूर वादक के रूप में प्रसिद्ध है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। चलो तो इसका थोड़ा सा टेबल आप देख लेना, क्योंकि एक नाम है ये पंडित शिव कुमार शर्मा और एक आता है पंडित रविशंकर। तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आज के सेशन में रखा गया है। यहाँ पर सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट नेम है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है हमारे संतूर से संबंधित है, और पंडित रविशंकर जो है वो हमारे यहाँ पर सितार से संबंधित है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और दूसरे जो संतूर से संबंधित है, भजन सोपोरी और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, बहुत फेमस है, पन्नालाल घोष आप ध्यान रख सकते हैं, तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक है, ये फिर घोष वाले सरनेम में फिर यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, तो पूरे नाम अच्छे से ही याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर अपन तुक्का वाली चीजें नहीं कर पाएंगे। अगला है सरोद में अलाउद्दीन खान फेमस, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, राइट। चेन्नई में बिस्मिल्ला खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार में पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्ध्याति मुखर्जी, अनुष्का शंकर। सारंगी में कौन कौन है, शकूर खान है, पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है और सुल्तान खान है। एकदम से नहीं बोल रही हूँ कि सारी चीजें अभी एट अ टाइम लर्न कर लो, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक से दो बार पढ़ते रहना, तो ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। तो थोड़ा थोड़ा करके भी लर्न करोगे तो 4-5 दिन अगर रेगुलर भी पढ़ते हो तो नाम याद हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अभी हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो संतूर से, और पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो सितार से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, क्योंकि मोस्टली मुझे इसी क्वेश्चन में ऐसे ही डाउट आता है, इसलिए आई थॉट कि आपको भी आते ही होंगे इसमें।
अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या सुल्ताना बुलबुल, यानी कि जिसे एशियाई पैराडाइज फ्लाई कल्चर हम लोग बोलते हैं, जो कि एमपी का राजकीय पक्षी भी है। बाकी ऑप्शन आपके पास ग्रेट हॉर्नबिल था, महाधनेश था, गोडावर्ण यानी इंडियन बस्टर्ड था, और इंडियन रोलर था, नीलकंठ था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि दूधराज या सुल्ताना बुलबुल एशिया पैराडाइज कल्चर जो है आपके मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के अंतर्गत आता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटाश अधिक लेकिन फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है? पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन किस मिट्टी में पाई जाती है? क्या वो लैटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर वो लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर हो सकती है? पोटाश अधिक मात्रा में लेकिन फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम होती है, कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों की तलछट से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने ये मिट्टी वाला जो पूरा चैप्टर है हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उससे कंप्लीट किया है। यदि आपके पास एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी इस पर दो वीडियो अवेलेबल है, एक में थ्योरी सेशन भी और एक में पूरा क्वीज हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कोयला, रेलवे, वित्त और कॉरपोरेट कार्यों के संघ मंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान CMPDI और बिजाक द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? आपको ध्यान होगा प्रीवियस ईयर में जो हुआ था कोयला मंत्रालय में, मतलब ऐसा हुआ था कि जब कोयले की खदान में लोग जाते हैं तो उनके ऐसा होता है कि उनको फिर बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो उस ऐप का नाम क्या था, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। उस ऐप का नाम था खान प्रहरी। ठीक है, खान प्रहरी मतलब जो कोयला उसमें जाते हैं तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए उनको जो हमारा सैटेलाइट होता है उसके थ्रू उस ऐप से कनेक्ट किया जाता है, ताकि बाद में इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। सेम हमारा फिशरी के केस में भी हुआ था, मछली उत्पादन में भी, जब लोग मछली के लिए बीच समुद्र में नदियों में जाते हैं तो वहां पर उनके साथ कोई ऐसी चीजें ना हो जाए, तो उनके पास भी एक ऐसी ऐप होती है जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, ताकि इन फ्यूचर जब कभी भी वो तूफान वगैरह में फंस जाए तो उनको वहां पर ढूंढा जा सके, सर्च किया जा सके। ठीक है, तो ये कोयला रेलवे मंत्रालय के द्वारा और जो CMPDI पर्टिकुलर है और जो बिसाग है इसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। वैसे इनका फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आप बिसाग का यहाँ पर याद कर सकते हो। बिसाग जो इंस्टीट्यूट है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन करके है ये। ठीक है, लिख देती हूँ, बस आप एक जनरल आइडिया के लिए ध्यान रख लेना इसका, भास्कराचार्य, थोड़ा सा लिखने में उल्टा सीधा हो रहा होगा, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन, यहां से पता चलता है कि इनको सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सी ऐप थी? खान प्रहरी ऐप थी। ठीक है, और ये तो पर्टिकुलर एक है जो ऐप बनाती है आईटी, CMPDI करके। इसमें एक नाम और आता है CMSMS करके। ठीक है, मेन CMSMS जो इसका काम रहता है, और बिजाक का काम था इसके अंदर। CMSMS क्या है? कोल माइनिंग सर्वे लाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, कोल माइनिंग सर्वे लाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, और बिजाक के द्वारा मिलकर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और CMPDI की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं इनने हेल्प करी है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, इतना टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान होनी चाहिए चीजें। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। केंद्रीय स्तर पर मेट्रो रेल परियोजना सहित नगरीय परिवहन मामलों के समन्वय, मूल्यांकन और अनुमोदक के लिए उत्तरदायी मंत्रालय। देखो मोस्टली हमारा जीके कहाँ से कंप्लीट होगा, न्यूज़पेपर से कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें आपको जीके में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से जीके भी यहाँ पर कंप्लीट करके न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते, तो ये जो रेलवे वाली जो न्यूज थी ये तो पूरा उसमें न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा गया मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित नगरीय परिवहन मामलों के समन्वय, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए कौन सा जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर इसको देखरेख करता है, इसकी देखरेख करता है। आंसर आपका बनेगा आवास एंड शहरी कार्य मंत्रालय जो है वो, इसकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है हरदीप सिंह पुरी, वो इनकी पूरी देखरेख करते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीजों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर एमपी से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पेंशन के लिए पात्र है? मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो चलती है वो किनको मिलती है, ये आपसे पूछा गया है।
सबसे पहले 70 साल से अधिक उम्र के और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए, 60 साल से अधिक उम्र और 60 साल से अधिक उम्र और के और गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों के लिए, और डी है 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए। तो किन के लिए ये योजना बनाई गई है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 साल से अधिक उम्र के और गरीबी रेखा के जो नीचे व्यक्ति हैं उनके लिए इस योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुगमन करने के लिए सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जब वो सत्याग्रह का चल रहा था तो सबसे पहले किसे चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस, ब्रह्मदत्त को, आचार्य विनोबा भावे को या फिर आचार्य कृपलानी को। तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको सत्याग्रह के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो नाना दर्देन उज्जैन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन में है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स बोलते हैं, आकृति विज्ञान बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं या फिर क्रमागत उन्नति बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन जो है, हेरिटी उसकी बात हो रही है, इनहेरिटेंस की ही बात हो रही है, हेरिडिटी की ही बात हो रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेनेटिक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इनमें से कौन सा सबसे पुराना घराना है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर मेहर घराना, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पुराना घराना हमारा है ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ग्वालियर घराना सबसे पुराने घरानों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी की एक विशेषता है। तो मौसमी बेरोजगारी किसकी विशेषता है, कृषि की, सेवा की, विनिर्माण की या फिर इंडस्ट्री की। तो मौसमी बेरोजगारी हमारी कृषि की आता है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी, मौसम अगर ठीक है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, लेकिन नहीं है तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी हमारे कृषि के अंदर आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मौसम में काल वैसाखी या नॉर वेस्टर्स के रूप में जाने जाने वाले छोटे तूफान और आंधी अक्सर दिखे जाते हैं, जिसे हम लोग काल वैसाखी बोलते हैं। ठीक है, शायद हम लोग इसी नाम से भी जानते हैं इसको, और नॉर वेस्टर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कब होता है, हल्के हल्के आंधी तूफान आना कौन सी स्टेज में होता है, शुरुआती सर्दी में आते हैं, शुरुआती गर्मी में, बारिश के मौसम में, या जो बाद की सर्दियां होती है लेट विंटर जैसा अभी चल रहा है इसमें आते हैं। तो जब शुरुआत सर्दी हल्की हल्की स्टार्ट होती है तो छोटे छोटे आंधी तूफान अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, स्कोर क्या रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।